आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। में यू टेक समाया इंसानों का टेक है साया टेक ही साथी टेक सहारे सारे संकट उससे हारे सारी तरक्की जड़ में है गांव से हर घर घर में है टेक है सबसे पावरफुल टेक नहीं तो सब है लुल टेक ही साधन टेक उपाय कोई नहीं तो टेक सहाये कर ले जाके चेक सबका मालिक टेक कर ले जाके चेक सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। एंड व्हाट अ वीक, इतना ज़्यादा पैक्ड है, फुल पैक्ड है, इतने सारे लॉन्चेस हो रहे हैं बैक टू बैक, सब इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं। आज भी इन्फिनिक्स का एक लॉन्च भावना में बह गए जितना पता उतना बोलने का लात मार रही है आज भी यार मुझे बट हाँ यार बहुत, और ये खत्म नहीं होता exactly. ये महीना चलेगा ऑलरेडी हम बोला कि पैक्ड मंथ है, अनपैकिंग्स भी होंगी इस महीने में, अनपैकिंग्स ड्राइव वगैरह पता नहीं क्या क्या होएगा यार ऑलरेडी, क्या क्या हो गया बताए थे फटाफट से। मंडे को था भाई मोटोरोला का रेजर का फ्लिप वाला फोन जो है, एक नहीं दो डबल धमाल मोटोरेजर 40 अल्ट्रा लॉन्च हो गए। ट्यूसडे को अमन जाके आया है किया के लॉन्च पे, किया सेल्टोस फेसलिफ्ट इसने कवर करा है। आज है वन प्लस नॉर्ड सीरीज का लॉन्च, नॉर्ड तीन डिवाइस है, नॉर्ड थ्री, नॉट बट्स टू आर नॉट सी थ्री, ये तीन है, तीन है। और बीच में आईकू ने भी लॉन्च कर दिया आईकू न्यू 7 प्रो। वाओ, नथिंग कुछ कर रहा है इस हफ्ते लॉन्च, फोन नहीं आ रहा नथिंग का बट कुछ तो कर रहा है लॉन्च, तो बता नहीं सकते अभी क्या है। इसके अलावा फ्राइडे को सैमसंग का है गैलेक्सी M34 5G, तो भाई बहुत सारे लॉन्चेस हैं। और अमेजोन की प्राइम डे वो सेल वेल भी आ रही है, और साथ साथ हमारे पास डिवाइसेस भी खूब भर भर गए हैं अभी। एक किसी किसी के बारे में बात कर सकते हैं, किसी किसी के बारे में नहीं कर सकते, मैं तो दो के बारे में बोल सकता हूं ना, किसी किसी के बारे में M34 के बारे में नहीं कर सकता मैं। मैं तो मोटो के बारे में बात करना थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो है मेरा अफोर्डेबल, सबसे अफोर्डेबल फोल्डेबल फोन हो गया है। अफोर्डेबल तो अभी भी देखो फ्लिप 3 है, अगर अफोर्डेबल फोल्डेबल की बात करें लॉन्च प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लॉन्च प्राइस की बात करो तो इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल 60,000। अभी तो फैले जो हमारी गर्मा गर्म न्यूज है, पहले भाई फैली है वो न्यूज, ऐसी पहला तो फैली गई है वो एक्चुअली सब बाकी सबको फैला दिया है इसने। मेरे को तो वो याद आ गया, अच्छा ये जो हमने पिछले बार बात की थी एब्सर्ड न्यूज में, एलन मस्क मार्क ज़करबर्ग की वो फाइट हुई है, तो इनका तो ये वाला हल हो गया, हंगामा देखिए ना वो, हाँ। तू हटा नहीं तू मार कुछ करवर नहीं रहे, फाइट वाइट करेंगे बोल के क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने अपने प्लेटफॉर्म निकाल के, वो वाली फाइट चल रही है इनकी। यस बेसिकली तो यही है हमारी आज की ताजा खबर, सो लेट्स स्टार्ट विद द बिग टेक स्टोरी। तो बिग टेक स्टोरी शुरुआत करने से पहले ना मैं एक कुछ समराइज़ करना चाहती हूँ, एक चीज़ मैंने जो चीज़ नोटिस करी एक्चुअली, तो स्नैपचैट पे जब फ़िल्टर्स लॉन्च हुए थे तो सबसे ज़्यादा सब फ़िल्टर्स स्नैपचैट पे ही यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद इंस्टाग्राम ने फ़िल्टर्स लॉन्च कर दिए, उसके बाद लोग स्नैपचैट को थोड़ा भूल से गए थे। हाँ, फिर क्लब हाउस आया, और क्लब हाउस जब आया फिर ट्विटर ने भी सिमिलर ऑडियो बेस्ड फीचर लॉन्च कर दिया स्पेसेस, तो लोग क्लब हाउस को भूल गए और ट्विटर स्पेसेस को। कब हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं बट इट वाज वेरी पॉपुलर, दो तीन दिन है, हाई तीन दिन, लॉकडाउन में तो इट वाज फुल पॉपुलर, दो तीन महीने हाई। तू दो तीन महीने में के लिए अवेयर हुआ होगा कहीं, तेरे को सुनने में आया होगा, बाकी तूने फॉलो नहीं किया होगा, 3 महीने की हाइप तो थी। हाँ, तो वैसे ही अब आ गया ट्विटर का नया राइवल। इवन मैं इसमें ये भी ऐड कर दूंगा यार, स्नैपचैट का सबसे बड़ा जो आश्रय ने बोला कि फिल्टर तो बहुत बात की बात है, स्टेटस वाला जो फीचर था, इनिशियली स्टेटस भी होता था 24 आवर्स जो आप डालते थे ना स्टोरीज पोस्ट पुट करते थे, वो तो स्नैपचैट लेकर आया था ना, दैट इज द बिगेस्ट स्टोरीज, हां स्नैपचैट स्टोरी जो कांसेप्ट था कि 24 घंटे में डिसअपीयर हो जाएगा, वो जो इंस्टाग्राम ने उठाया, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक स्टेटस अब फेसबुक पे लगा दिया, और स्नैपचैट को जो असली मतलब मार पड़ी है वो तो उस फीचर की पड़ी है कि वो उठा के लगा दिया, एक्चुअली स्नैपचैट भूल गए लोग सही में, मतलब लोग भूल जाते हैं जैसे कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाता, पुराना प्लेटफॉर्म वही फीचर को
enhanced way में दे रहे यूजर्स को. एक प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसी में सब फीचर मिल जाएंगे तो क्यों दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करोगे. एग्जैक्टली. तो अब वैसे ही ट्विटर का एक नया राइवल आने वाला है इंस्टाग्राम थ्रेड्स, और ये जुलाई 6 को लॉन्च होने वाला है 7:30 को. अभी ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. डाउनलोड नहीं कर सकते बट यू कैन साइन अप. लिस्टिंग अवेलेबल हो गई है. साइन अप कर सकते हैं. हाँ, इनफैक्ट अगर इंस्टाग्राम के सर्च बार पे आप टाइप करोगे ना थ्रेड्स, तो उस पे जो पिंक ऑप्शन आएगा ना राइट हैंड साइड पे, पिंक बटन आएगा, टिकट बनी हुई आएगी, हाँ, उस पे टैप, टैप करके वो पूरा नाम यूजर नेम जो है आपका इंस्टाग्राम का वही लिख के आएगा. जुलाई 6th 7:30 PM पूरा एक थ्रेड्स का एक पेज बेसिकली खुल जाएगा. ये आश्री कहना चाह रही और ये स्क्रीनशॉट एक्चुअली सब लोग शेयर भी कर रहे हैं. बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों को थ्रेड्स को लेके. काफी सारे लोग डाल रहे थे. मैंने कहा भाई मैं भी देखूं है क्या ये. QR कोड आता है उसमें तो उसको टैप करते हैं तो यू कैन डाउनलोड मे बी साइन अप फॉर द ऐप. तो यार क्या तुम लोग के क्या थॉट्स हैं इसको लेके. थ्रेड्स आने वाला है. Are you guys going to use it, try it? Definitely यार, क्यों नहीं करेंगे. ट्विटर में इतनी मारामारी ऑलरेडी फैली हुई है. और जैसा मानस ने एक बात बोली, जब आपके पास सारे फीचर्स एक प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं तो आप दूसरी तरफ क्यों जाओगे इन द फर्स्ट प्लेस. नहीं तो मेरा तो उल्टा ये रीजन है ना यूज करने का. ना यूज करने का नहीं, मेरा ये रीजन है यूज करने का. नहीं तो एक ऐप पे कहां मिल रहे हैं फीचर. एक और ऐप डाउनलोड करनी पड़ जाएगी. एक्सटेंशन एक तरह से हो गया ना इंस्टाग्राम. मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ लिसनर्स को कि इंस्टाग्राम थ्रेड्स इंस्टाग्राम में फीचर नहीं है. इंस्टाग्राम थ्रेड्स एक डेडिकेटेड ऐप है जो डाउनलोड करना पड़ेगा. एकदम ट्विटर की तरह ही होगा. जैसे ट्विटर पे आप ट्वीट्स करते हो, टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एकदम वैसे ही बेस्ड प्लेटफॉर्म है बेसिकली. और ट्विटर की तरह नहीं होगा पर similar, कि हाँ, नहीं, ट्विटर, अरे क्या एकदम ट्विटर की तरह होगा. अगर यूआई देखेगा जो स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं प्ले स्टोर के ऊपर तो एकदम मेरे को तो लग रहा है बिल्कुल डिट्टो कॉपी है यार उठा के. इनफैक्ट रीट्वीट लाइक हाँ एग्जैक्टली जो रीट्वीटिंग है, लाइक का बटन है, जो शेयरिंग का बटन होता है वो ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम जो ट्विटर के ऊपर है. थोड़ा तो बेनिफिट ऑफ डाउट दो यार. और नहीं मैंने भाई काश तक कौन सा फीचर उन्होंने उठा के मेटा ने अपना उसमें कुछ टच डाल दिया. आधे तो थोड़ा कॉपी पेस्ट मारते हैं. इंस्टाग्राम रील जाए थोड़ी है. इंस्टाग्राम रील जाए कौन सा डिफरेंट कर दिया टिकटॉक से. उठा के सेम कॉन्सेप्ट चेप डाला चल तो फाइंड. अरे यार देखो तुम्हारा पैसा है, तुम एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो और तुम्हारे पैसे के तुम मिसयूज करके दूसरे जो ओरिजिनल कोई कॉन्सेप्ट लेकर आता है उसको तुम उठा के इंप्लीमेंट कर देते हो और अपने पैसे को यूज करके उसको तुम मार्केट करते हो तो आई विल नॉट कॉल इट स्ट्रेट अप सक्सेस. ठीक है, दैट्स धांधली जो होती है ना एक सीधे शब्दों में. मेटा वही करता है. ठीक है, करता है लेकिन फिर भी ना आज वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फिर भी आगे है और वो रहेगा. यू कांट टेक दैट अवे. यू कांट टेक दैट अवे कि भाई वो आगे हैं बट डजंट मीन कि वो क्रिएटिव या इनोवेटिव है. क्रिएटिव है ना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. आप आगे हो बहुत बहुत अच्छी बात है बट आप उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट ही मारते हो. आप कुछ नया नहीं करते. तो मेरे को नहीं लगता कि थ्रेड्स के अंदर भी ये कुछ बहुत डिफरेंट करने वाले हैं. व्हाट दे विल बेसिकली डू, जो मैं जितना मैंने यूआई देखा है, जो ट्विटर वाला यूआई है, इन्होंने एज इट इज उठा के उसको चिप डाला है. हम कुछ स्क्रीनशॉट टाइमिंग कैन वी टाइमिंग इन्होंने तो जितना है उसी तो जितना है उसी पे तो बात करोगे, अदरवाइज तो बात ही नहीं बनती ना. नहीं मैं तो बोल जो रहा नहीं है तो फिर अगर जो तू बोल रहा हो सब तो आज पॉडकास्ट में बात ही नहीं करनी थी. फिर तो लॉन्च होने के बाद ही बात करेंगे है ना. नहीं वो भी ठीक है, अभी तो जितना है उसी पे बात होगी ना. जितना दिख रहा है बट वही कि हम लोग टोटली नहीं जंप कर सकते कंक्लूजन्स पे. मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे. तो जो इन्होंने ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में स्क्रीनशॉट्स डाला ना, यूआई के बारे में बात कर रहे थे लिस्टिंग्स में, उसमें एग्जैक्टली यही है. लाइक कमेंट रीट्वीट शेयर के बटन जो इंस्टाग्राम पे है ना वैसे दे रखे हैं. बस रीट्वीट ट्विटर वाला ले रखा है. और ट्विटर पे जैसे आप थ्रेड्स लिखते हो ना प्रॉपर वैसे ही है. एग्जैक्टली सेम कॉन्वर्जेशन बेस्ड है. आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स यहाँ पे ला सकते हो. सबसे पहला ऑप्शन वही आएगा आपके पास. इनफैक्ट इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो भी सेम आप यूज कर सकते हो इसमें. यू कैन लॉग इन विद योर इंस्टाग्राम यूजर नेम ऑन थ्रेड्स जब मतलब ये अवेलेबल हो जाएगी ऐप. वही तो, लेकिन ना सवाल ये है कि यार और भी ट्विटर के काफी सारे राइवल्स आए हैं जैसे मैस्टोडॉन, ब्लू स्काई, कू. अगर हम इंडियन उसमें बात करें, इंडियन ऑल्टरनेटिव को बात करें तो कू भी है. आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज़ इट, दैट इज़ फॉर श्योर. पॉलिटिशियंस और कुछ सेलिब्रिटीज ज़रूर ट्विटर को छोड़ के कू यूज़ करना शुरू कर दिए थे. बट फिर भी आज की डेट में ट्विटर का कोई भी तोड़ नहीं है. बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसके पीछे बैकिंग है इंस्टाग्राम की. और स्टार्टिंग में ही वो जो एक जो छोटी सी चीज़ ये दिखाई दे रही है ना कि आप
ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट करो, वहीं पे एक बेसिक पुश आपको मिल जाता है. एग्जैक्टली ठीक है. ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि अभी अभी ट्विटर डाउन के बारे में बात करेंगे, जो वो एक्चुअली डाउन नहीं हुआ था, जो रीडर्स लिमिट लगी थी उसके बाद ये मास्टरडॉन वाले बड़े खुश हुए, अरे यार हमारे पास इतने लोग आए. हाँ ब्लू स्काई ने अपना वो साइन अप बंद कर दिया, बट आई थिंक सो दीज आर लाइक स्मॉल मोमेंट्स ऑफ ग्लोरी फॉर देम. एग्जैक्टली दिस कैन बी सबसे बड़ी बात है, यूजर को चाहिए ईजी इंटरफेस और एक रिलायबल ऐप. इंस्टाग्राम इज ऑलरेडी सो पॉपुलर इंडिया में ही अगर हम बात करें तो. इंस्टाग्राम अगर आप ऐप भी डाउनलोड करोगे ना, थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम वो लिखा है, तो फिर लोग इंस्टाग्राम यूजर्स डेफिनेटली ट्राई करना चाहेंगे कि यार क्या है, जो ट्विटर यूज भी नहीं करते हैं वो भी ट्राई करना चाहेंगे. अगेन इस चीज से डिसएग्री करूंगा, बिकॉज इंस्टाग्राम का यूजर है उसका बिहेवियर जो है वो ट्विटर से बहुत अलग है. जो इंस्टाग्राम यूज करता है वो कॉन्वर्जेशन के लिए यूज नहीं करता, वो फोटो शेयरिंग के लिए यूज करता है, रील्स के लिए यूज करता है आज की डेट में. ठीक है ठीक है. एंड आई डोंट एंड दैट इज वाई यू ऑल्सो सी जो लॉट ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जिनके इंस्टाग्राम पे बहुत लाखों में मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उनके आप अगर ट्विटर पे जाओगे तो शायद उतने फॉलोअर्स नहीं है, 1,000-2,000 ही देखे कि इंस्टाग्राम पर तो 3-3, 4-4 लाख है, ट्विटर पे 1,000 फॉलोअर्स भी नहीं है. ठीक है, दैट इज बिकॉज बोथ द प्लेटफॉर्म्स वर्क वेरी डिफरेंटली. दोनों का जो कंज्यूमर पैटर्न है वो भी अलग है, दोनों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी अलग है, दोनों का यूआई, दोनों का एल्गोरिदम वो भी बहुत अलग तरीके से काम करता है. तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कन्वर्जन इंस्टाग्राम यूजर्स का थ्रेड्स के अंदर हो जाएगा. मे बी इनिशियली आप एक बहुत बड़ा यूजर बेस अक्वायर कर सकते हो कि आपके पास वो यूजर बेस ऑलरेडी है, वो हाँ, आपके पास ऑलरेडी है, बट उनमें से कितने यूजर्स एक्चुअली एक्टिव रहेंगे और कितने यूजर्स जो है उस प्लेटफॉर्म को वाकई में यूज करेंगे या उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आई डाउट. आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है इट विल बी मोर पॉपुलर अमंग पीपल हु आर नाउ एनॉयड बाय ट्विटर. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको चाहिए एक ट्विटर का थोड़ा सा अल्टरनेटिव, बिकॉज रोज रोज की ये नई नई चीजें कुछ आ जाती हैं, कभी आपने सब्सक्रिप्शन निकाल दिया, कभी आपने ट्वीट डेक बंद कर दिया, बोलो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, कभी आपने रीडर लिमिट लगा दी, एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेकिंग अप आपको कुछ नया मिल रहा है. भाई यूजर परेशान हो जाता है यार, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है जिंदगी में इन सब चीजों के लिए. एग्जैक्टली तो वो वाला जो यूजर बेस है वो ज्यादा मुझे लगता है कि दे मे बी एबल टू माइग्रेट एंड लुक एट इट एज एन अल्टरनेटिव देन जस्ट एन इंस्टाग्राम यूजर. इंस्टाग्राम वाला यूजर नहीं जाना चाहेगा उतना. दे मे वांट टू ट्राई इट बट दैट्स नॉट द एक्चुअल टारगेट ऑडियंस. वो टारगेट ऑडियंस नहीं है यहाँ पर. बट टारगेट व्हाट वर्क्स फॉर थ्रेड्स इज कि अभी तक जो आश्री ने बोला कि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स आए, मैस्टरडॉन भी आया, कू भी आया, और कू में भी आप देखोगे कि इनिशियली इंडिया में तो बहुत हाइप हल्ला मचा दिया लोगों ने कि भाई कू है उस पर चले जाओ, कई सेलिब्रिटीज भी इंडोर्स करने लगे. क्या हुआ उसके बाद, गायब हो गया वो, बिकॉज नोबडी केयर्स टू यूज इट. ट्विटर वॉज द मेन दिस थिंग. द रीज़न इज बिकॉज रीच लिमिटेड थी. कू के केस में फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट हो गया, वो भी मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा हल्ला था. सिमिलरली जो मास्टरडॉन है ये एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही इतना सक्सेसफुल हुआ, इंडिया में नहीं हुआ. इंडिया में अगर आप चलते फिरते आदमी से पूछोगे उसको नहीं पता मास्टरडॉन क्या है. वॉट चेंजेस विद थ्रेड्स दो इज वॉट अमन सेड कि बैकिंग है मेटा की. Meta, which is a huge company, which has the money, which has the brains, which has done it in the past. Which has the people also. People also, and which has done it in the past. Like, इन्होंने तीन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, लोग ऐसे नहीं चला रहे हैं. ठीक है, तो अभी तक का सबसे बड़ा अगर कोई ट्विटर के लिए थ्रेट आया हो है या होगा, या जो सबसे बड़ा कोई पॉसिबल राइवल है, तो वो थ्रेट होगा. Having said that, I also have my apprehensions because अगर ऐसा होता, देखो यार Meta also इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है, but they have also announced it at a very tricky time for them. इन्होंने 1.5 साल पहले मेटावर्स अनाउंस किया था जब अपनी कंपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी. दैट हैजंट वर्कड फॉर देम, वो चला नहीं है. मतलब वो एकदम उसमें बहुत मैसिव लॉसेज इनको हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच इन्होंने लास्ट 6-8 महीने के अंदर बहुत सारे ले ऑफ्स भी करें, बहुत सारे अपने स्ट्रैटेजीज के अंदर चेंजेस करें. सो When you are already struggling, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया वो नहीं चला और आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, आप लॉसेस बना रहे हो, आप लोगों को निकाल रहे हो, उस टाइम पर आपने एक और नया प्रोडक्ट, एक और नई सर्विस अनाउंस कर दी है. नॉट रियली द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू अदरवाइज, बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि अपॉर्चुनिटी थी.
यहाँ पर एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है कि ट्विटर से लोग परेशान हैं, ट्विटर खुद लॉस बना रहा है, लोहा गरम था एकदम। हाँ, वीकेंड पे बहुत सही टाइम पे एक्चुअली जब वो रेट लिमिट वाला वो लग, हाँ, एक तो वो तुम लोगों ने देखी क्या, व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन दैट? किस पे रेट लिमिट? यार उस पे ना सिंपल है, आश्री से मैं ये सुबह में बात कर रहे थे, हाँ आश्री भी वही सेम एकदम ओपिनियन, हाँ भाई 600 ट्वीट तक मतलब पहुंचेगा ही कौन, मतलब somebody who is really addicted to Twitter, जो ऐसे बहुत सारे लोग थे, हमें लगता है ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए कि उनका एक्सीड हो गया। हाँ, जब मैं देख रहा था ना ये ट्विटर डाउन था तो आई वाज लाइक स्क्रॉलिंग थ्रू माय ऐप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। हाँ, मेरे को भी एक बार भी, मेरे पास भी एक बार भी नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या बोल रहे हैं, कहाँ से ट्विटर डाउन है, एकदम बराबर मक्खन चल रहा है, फिर मैं चेक करने गया था, मैं बीटा तो नहीं यूज कर रहा। हम ना लोगों के विलेपन को कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बिकॉज मैं कई बार देखता हूँ यार, मैं कभी जैसे मेट्रो से आता हूँ या मैं कभी कहीं पब्लिक प्लेस में होता हूँ ना, आई सी पीपल वॉच सम रैंडम स्टफ ऑन इंटरनेट, मतलब इंस्टाग्राम पे ट्विटर बहुत ही रैंडम चीजें देखते हैं यार। उस दिन मैंने कैब ली, वो बंदा यार रात के 11:30 कैब चला चला, एक हाथ से कैब चला रहा है, एक हाथ से वो रीले देख रहा है। मैंने 5-10 मिनट तो इग्नोर करा, मैं चल कुछ आया होगा, 10 मिनट तो बाद मैंने कहा यार भाई तू बाद में देख लिया यार रील, ये क्या, और रील में क्या है, कुछ नहीं, एक आदमी ईंट रख रहा है कहीं पे, उस पर म्यूजिक चला हुआ है, एक पे कुछ हो रहा है, मतलब बहुत ही रैंडम कॉन्टेंट, और लोग कंज्यूम करे जा रहे हैं यार, करे जा रहे हैं। ट्विटर पे भी ऐसे लोग यूजर्स हैं, बिकॉज मैंने तो देखे बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास तो आए कि भाई हमारा, और हाँ वही चीज तो, उसी को कई तो थोड़ा... कई तो ब्लू टिक वाले जिनके 6000 की लिमिट एक्सीड हो गई है यार, तो सोचो 600 की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब बिकॉज आई थिंक इसकी फिर भी जो वो है, अगर रेशियो देखें, रेशियो फिर भी कम होगा जिनके पास नोटिफिकेशन आए होंगे ज्यादा से ज्यादा, बट वही जिनके पास आए हैं ना, अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास आए हैं ना वही आपकी मेन ऑडियंस, नहीं वही आपकी मेन ऑडियंस है ट्विटर की, जिनके पास नहीं आए उनके बेस पे नहीं चल रहा ट्विटर, जिनके पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना यही ऑडियंस है जो ट्विटर को ड्राइव कर रही है, जो उसके ट्रैफिक को उसके एंगेजमेंट को ड्राइव कर रही है, और अगर वही परेशान है तो देन द प्लेटफॉर्म विल ऑब्वियसली फील द हीट। अगर नहीं आया होता या उतने लोग इफेक्ट नहीं हुए होते तो इतना हल्ला ही नहीं होता, पर वो 2 दिन में हल्ला ही इसलिए हुआ कि बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए और कई लोग एक दूसरे को देखकर भी, अच्छा इसका आ गया है तो यार मेरा भी आ सकता, तो मैं भी चल थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं हाथ धो देता हूँ बहती गंगा में। इनफैक्ट जब थ्रेड्स का ये अनाउंसमेंट हुआ ना तो लॉन मस्क ने भी ट्वीट किया कि ये तो ठीक है लेकिन जो डेटा कलेक्ट करा जाएगा। जैक डॉर्सी ने भी ट्वीट करा था, हाँ। उस पे लॉन मस्क ये वो लिख रहा है यार, क्या यार कुछ भी करता है यार ये बंदा। तो पूरी बात बताती हूँ, तो जो तो इलॉन मस्क ने जब इसको ट्वीट किया उसने एक स्क्रीनशॉट डाला था एक्चुअली, हाँ। कि क्या क्या डेटा कलेक्ट किया जाएगा ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर में, मॉकिंग, हाँ जाके देख सकते हैं कि क्या क्या लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट थी एकदम, मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीजें एक्चुअली वो डेटा कलेक्शन में आएंगी। हाथ धोना इलॉन मस्क, इलॉन भैया जो कर रहे हैं ना ये, पर वो तो करेगा यार, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज थ्रेटन्ड बाय दिस यार, थ्रेटन्ड बाय दिस, ही हैज बीन थ्रेटनिंग पीपल। एक सेकंड मेरी वो भाई डेटा लिंक टू यू के अंदर आपका हेल्थ एंड फिटनेस डेटा, फाइनेंशियल इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, यूजर कॉन्टेंट, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूजर्स डेटा, डायग्नोस्टिक परचेजेस, आप क्या खरीद रहे हो अपने फोन को यूज करके, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, सर्च हिस्ट्री, आइडेंटिफायर, सेंसिटिव इन्फो, अब सेंसिटिव इन्फो क्या है वो डिफाइन, वो पता नहीं, और इसमें आगे नहीं अंदर ब्रेकडाउन है कि थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग के लिए हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, हम लोग डेवलपर एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के लिए क्या क्या ले रहे हैं, एनालिटिक्स के लिए क्या क्या ले रहे हैं, एनालिटिक्स के लिए आप मेरे यूजर का कंटेंट, मतलब कंटेंट कॉन्टैक्ट्स क्यों ले रहे हो, आप मेरा गेम प्ले कंटेंट ले रहे हो यार। पर वो ये ना, ये जितना भी डेटा मेटा कलेक्ट कर रहा है ना इंस्टाग्राम थ्रेड्स में, वो ऑलरेडी वो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू ऑलरेडी कलेक्ट करता ही है। सो मेटा इज एनी वे ही इट हैज अ लॉट ऑफ डेटा, मतलब बट दैट इजंट द एक्सक्यूज कि अगर ऑलरेडी ले रहे हो तो मेरा और ले लो, ये नहीं कर सकते ना। पर यार यूजर्स ना दे देते हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी ऑप्शन परमिशंस, हाँ क्योंकि देना पड़ता है परमिशन, विच इज द लाइक रॉन्ग और द सैड पार्ट वेयर दे डोंट हैव द ऑप्शन, दे शुड हैव द ऑप्शन ना, राइट। बट तुम्हें क्या लगता है ये जितनी पॉपुलैरिटी है थ्रेड्स की कब तक चलेगी, या ये लास्ट करने वाली है, मतलब हमने डिस्कस तो कर लिया यूआई के बारे में, ये थ्राइव करेगी ऐप, लिख लो, व्हाट आर योर गेसेस, लिख लो मैं पहले आए तो ऐप, मैं तो ये कह रहा हूं वो तो कल ही आ जाएगा यार, आज चल लिख के ले दे तू, फिर वही होगा तेरे साथ जो भी थोड़ी देर पहले हुआ था, इस टाइम पर पेपर में लिख के, इतना तुम डिस्टोपियन वर्ल्ड में कैसे रहते हो यार, अलग ही पता नहीं कहां दुनिया के अंदर, कैसे ऐसे कैसे, नहीं व्हाट इज द, ये ब्लू स्काई और मास्टोडॉन नहीं है,
कि नहीं है ये चलेगा, यू आर सेइंग इंस्टाग्राम बैक मेटा बैक थ्रेड्स. I don't think that it will last for long. Obviously, it's not gonna, ऐसा नहीं कि it will come and it will disappear. ये तो नहीं होने वाला. बट मेरे को नहीं लगता कि ये ट्विटर के लेवल पर रीच करेगा या ट्विटर को कहीं से भी थ्रेटन करेगा. एटलीस्ट एक दो साल में तो नहीं करने वाला. अनलेस एलन मस्क कीप्स ऑन डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, कुछ और ही बहुत ज्यादा बिजार इसने कर दिया तो फिर बात अलग है. अदरवाइज आई डोंट इवन आई एग्री, क्योंकि या तो ये हो सकता है थ्रेड्स लॉन्च होने के बाद एलन मस्क थोड़ा यार वो सीधी रोड पे आ जाए एंड ही एक्चुअली स्टार्ट्स नॉट मेसिंग अराउंड विद ट्विटर और फिर जितनी भी फीचर्स हैं थोड़ा ये ट्वीट लिमिट और ये सब बंद कर दे. And maybe, so you have to also understand that Twitter is not just for casual conversations. Yeah. ऐसा नहीं है कि उसपे सिर्फ casual conversations हो रही है. Governments, government bodies, politicians, bureaucrats, everybody, celebrities, everybody is using Twitter to also share information. National interest की information भी आपको Twitter पे ही मिल रही है आज की डेट में. Agreed. मीडिया भी Twitter से उठाकर उसे पब्लिश कर रहा है. मीडिया के पास में भी प्रेस रिलीज बाद में आता है, उनको भी ट्विटर से पता चलता है पहले कि ये कुछ ऐसा हुआ है स्टेटमेंट. इन फैक्ट टू माइग्रेट ऑल ऑफ देम टू अनदर प्लेटफॉर्म वुड बी वेरी डिफिकल्ट. वेरी डिफिकल्ट ना. बट ये तुम्हारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इतिहास गवाह है. ठीक है, देयर वाज एन ऑर्कुट, देन फेसबुक हैपेंड, देयर वाज अ स्नैपचैट, देन इंस्टाग्राम हैपेंड, देन देयर इज अ ट्विटर, एंड स्लोली बट gradually, steadily, something else will happen. But something else may happen. Also have this, I don't think it will be third times the charm. I don't think Xiaomi 13 Pro ke first impressions mein daal rahe wala headline. But I also have this opinion ki Instagram threads mein na thodi younger audience aayegi aur as Manas was saying jitne bhi गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया पर्सनालिटीज हैं, वो ट्विटर पे यूज करेंगे. इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस आएगी ना, अभी तुम देखो ये एक महीने बाद देखो क्या गंद मचा के रखेंगे ना ये थ्रेड्स के ऊपर जो एक्चुअली वहाँ क्या ही चल रहा है. एंड यू नेवर नो, मे बी थ्रेड्स रील भी सपोर्ट कर ले फ्यूचर में. अमन जैसे छपरी बाल रंगवा के यही बैठे रहेंगे थ्रेड्स के ऊपर. ठीक है, एग्जैक्टली. तो देखना बाकी रहेगा कि यार इंस्टाग्राम थ्रेड्स कितना चलता है, कितने दिन इसकी पॉपुलैरिटी रहती है. हम भी ट्राई करके देखेंगे, मे बी हमारे नेक्स्ट वीक एपिसोड में बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कि हमें कैसा लगा. 7:30 PM जिसको इंटरेस्ट है आप अपना देख सकते हो, लिस्टिंग लाइव है प्ले स्टोर, रिमाइंडर लगा लो. कल डाउनलोड करके आप खुद भी टेस्ट आउट कर सकते हैं. यस, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज आवर डिवाइसेस. तो क्या क्या नए नए डिवाइसेज हैं हमारे पास. हम लोग सेगमेंट शुरुआत करने से पहले इंट्रो में बात कर रहे थे कि नई नई डिवाइसेज, नए नए लॉन्चेस हो गए हैं. तो अमन तुमसे शुरुआत करते हैं. मेरे से शुरुआत करते हैं. बिल्कुल, क्योंकि यू हैव द हफ्ते की शुरुआत मैंने करी थी मोटो रेजर 40 सीरीज के साथ. yes. भाई दो फोन्स मैं चेकआउट करके आया हूँ, फोल्डेबल्स नए आए हैं मार्केट में, लॉन्च हो गए अब तो. रेजर 40, रेजर 40 अल्ट्रा. प्राइसिंग बता दूँ, 40 अल्ट्रा है महंगे वाला फोल्डेबल और वो है 90,000 रुपीज़ का. एक्चुअली अगर आपके पास ICICI बैंक का कार्ड है तो आप उसको 83,000 में ख़रीद सकते हैं. और एक है सस्ते वाला फोल्डेबल, जैसे आश्री ने बोला था कि द मोर अफोर्डेबल वन, वो है रेजर 40. यू कैन गेट इट फॉर 60,000 रुपीज़, ऑफिशियल प्राइस है, पर 5,000 उस पर भी डिस्काउंट है ICICI बैंक अगर आपके पास कार्ड है उसका, तो 55,000 में. पर आपको इनके साथ मिलता क्या है यार. मेरे हिसाब से यार टाइमिंग ना थोड़ी सी इनकी मुझे ऑफ लगी, ऑनेस्टली. क्यों ऑफ? ऑफ इसलिए लगी क्योंकि रेजर 40 अल्ट्रा बहुत अच्छा फ़ोन है, पर वो अपने एक बबल में, एक तरह से मोटरोला है. टारगेटिंग बबल में रहती है वैसे कि गैलेक्सी Z Flip 5 आने वाला है. ठीक है, और आप उसके मतलब उस पे ना फोकस करते हुए दे आर फोकसिंग ऑन गैलेक्सी Z Flip 4 को टारगेट करते हुए एक फ़ोन. हाँ, उसमें बहुत स्टैंड आउट फीचर्स हैं 40 अल्ट्रा में, जैसे कि बाहर उसकी एक बड़ी स्क्रीन मिलती है, 3.6 inches की स्क्रीन मिलती है, कोई भी आपको फोल्डेबल फोन फ्लिप फोन में नहीं मिलती. और भाई ये अल्ट्रा और 40 दोनों में है? नहीं, 40 में छोटू स्क्रीन है 1.7 inch की, जैसे आपको गैलेक्सी फ्लिप में मिलता है उसी टाइप को, उससे भी छोटी है. बट अल्ट्रा वाले में जो 3.6 inch की स्क्रीन है, वो नाम की स्क्रीन नहीं है. आप उस पर पूरी पूरी ऐप्स रन कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, वीडियो देख सकते हो, सब कुछ चला सकते हो. और 144Hz की स्क्रीन है, मतलब बड़े से बड़ा फ्लैगशिप मेरे हाथ में है गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, इसमें भी 120Hz की स्क्रीन है. मोटोरोला ने अपनी सेकेंडरी डिस्प्ले पे 144Hz डाला है और सही में बटरी स्मूथ है एक्चुअली.
तो वो एक की फीचर है. और उसके अलावा आप अंदर उसको खोलो, 6.9 इंच ही बड़ी डिस्प्ले है वो, 165 हर्ट्ज है. तो अगर Z Flip 4 हाँ और Motorola Razr हाँ रख दिया जाए हाँ तो क्या कौन सा, व्हाट विल यू चूज, व्हाट विल आई चूज? अगर 4 और, क्योंकि 5 हमने देखा नहीं है, बट 4 और अल्ट्रा में आई डेफिनेटली विल गो फॉर द अल्ट्रा. चिपसेट भी सेम है दोनों फोन्स की, और क्योंकि Motorola का UI भी थोड़ा सा पॉलिश्ड लगा मुझे, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड है, साफ है, एकदम मक्खन चलता और है. अभी अगर एक महीने बाद जब Z Flip 4 की प्राइस कम हो जाएगी, जब Z Flip 5 आ जाएगा तो शायद 60-65,000 पे आ जाए Flip 4, then the Z Flip 4 makes a lot of sense in that case. That is the thing ना, कि हाँ. अभी क्यों कोई अल्ट्रा, अभी तो वही मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा उनको एक, क्योंकि आपके पास एक महीने के बाद Z Flip 5 आ जाएगा शायद 90,000 के ऊपर ही, with better hardware, with Samsung's more refined like this thing, and folding mechanism better. Same time पर आपके पास एक option रहेगा for a cheaper Z Flip 4 also. तो why would someone go for अल्ट्रा? हो सकता है सैमसंग इस बार, गिवन दैट जो कंपटीशन है लास्ट ईयर ऑलरेडी 90,000 पे लॉन्च किया था ना, हो सकता है प्राइस भी थोड़ा कम कर दे इस बार Z Flip 5 के साथ. हो सकता है 80,000 पे आ जाए, 85 पे भी आ जाए, 85 प्लस 5,000 का डिस्काउंट दे दे, दैट विल बी सो अनलाइक सैमसंग. बट अगर ऐसा हो जाए तो मतलब, क्योंकि कम तो करें उन्होंने बैक टू बैक, देखो लास्ट 2 सालों में प्राइस कम तो करें फ्लिप के, और दे वुड नो कि इस बार ओप्पो ने भी कर दिया है फ्लिप फोन, इन्होंने भी कर दिया है, Motorola ने बहुत तगड़ा मतलब पासा फेंका है. Motorola का मैं ना थोड़ा सा वो ये फोन तो अच्छे बनाते हैं, बट इनका ना थोड़ा सा, मैंने बिकॉज आई स्पेंड सम टाइम, हाँ फोल्डिंग अच्छा है, हिंज बहुत सॉलिड है. कि तेरे को पता है, मेरे को पता है, जनता को पता ही नहीं है. अभी अगर तू बाहर सैमसंग का, जब है जब सैमसंग का रेजर, नहीं जब Motorola रेजर, रेजर Motorola की भी नहीं बोल रहा मैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब सैमसंग का फ्लिप आएगा ना सारी दुनिया को पता होगा, हर जगह होल्डिंग लगेंगे, सब बात कर रहे होंगे. अभी अगर तू बाहर हमारे ऑफिस वाले फ्लोर पे जाके पूछेगा ना, कल परसों Motorola ने 2 रेजर लॉन्च करे, किसी को नहीं पता, 10 में से 9 लोग को नहीं पता होगा कि ऐसा कोई फोन भी आया मार्केट के अंदर. ठीक है, मैं परसों अपने वो कर रहा था, कल अपनी FM की जो इश्क FM वाली रिकॉर्डिंग होती है, नहीं पता था भाई उनको भी, कह रहे ये कौन सा फोन है, अच्छा ये रेजर, वो पुराना वाला रेजर है क्या, वैसा कुछ है क्या की बात है. एक टाइम पे जिसने पॉपुलराइज करा जिस ब्रांड ने, एक्चुअली वो अब रेट में, बट ठीक है अच्छा फोन है 40 अल्ट्रा, जितना 40 अल्ट्रा अच्छा है उतना मुझे 40 से मतलब मुझे थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा 40 मेरे लिए ज्यादा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, गिवन दैट कि आपने प्राइस जो एंट्री पॉइंट है 60,000 कर दिया, उसमें 5,000 का 55,000 रुपए में, अगर किसी को लेटेस्ट हार्डवेयर चाहिए और एक फोल्डेबल एक्सपीरियंस चाहिए, और क्या पता 6 महीने बाद और डिस्काउंट ले लो यार, मतलब इससे बेटर डील तो क्या ही मिलेगी. मुझे उस पे एक मेरा एक कंफ्यूजन है जो लेके, एक डाउट टाइप का, कि हाउ विल द प्रोसेसर एज विद टाइम, क्योंकि इन्होंने 8+ Gen 1 ऑलरेडी एक फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर है, ठीक है, अब जाके उसने 1 साल पूरे करे हैं मार्केट में 8 Gen 1 ने, अभी बहुत अच्छा 8+ Gen 1, बट 7 Gen 1 एक ऑलरेडी मिड रेंज प्रोसेसर था, जब आया भी था उतने सारे फोन्स में नहीं था. हाउ विल इट एज गोइंग फॉरवर्ड? बट देख, एनी आई थिंक एनीवन हुज और फॉर 55,000 अगेन, एनीवन हुज लुकिंग टू बाय, जो भी ये खरीद रहा है ना ये वाला Motorola 40 का जो ऑडियंस होगा, वो ना परफॉर्मेंस गेमिंग उसके लिए तो नहीं लेगा. देख, उनका वो आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास भी क्वेरी, तुम्हारे पास भी आती होंगी, जो हु वांट टू बाय फ्लिप फोन्स, बट उनको ना बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं. और ये कौन सी क्राउड है? ये बहुत जेनरिक क्राउड है, जिसको बस फ्लॉन्ट करने के लिए चाहिए कि फ्लिप वाला फोन लाइक द फैसिनेशन थोड़ा है, फैसिनेटिंग डिवाइस, बस बस. तो उनके लिए यार 60,000 मेरे हिसाब से, इफ दे गेट 55,000 मार्केट में, चल मैं आई कर ही लेते जुगाड़, इंडिया तो जुगाड़ पे चलते, मतलब मैं भी खरीदना चाहूंगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था. इतने लोग यार पर्सनली, इतने लोग मेरे को आके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कोई है फोल्डेबल फोन बताओ, अच्छा हमें लेना है फ्लिप फोन, ये तो बहुत सही लग रहा है. लास्ट ईयर फ्लिप 4 के टाइम पे भी हुआ था, ओप्पो वाले टाइम पे भी हुआ था, बिकॉज उनकी मार्केटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी दोनों की. फ्लिप 4 तो मैंने खुद खरीदा, अभी भी चल रहा है मेरा, अच्छा चल रहा है. टचवुड, मेरे दोस्त का खराब हो गया यार, कंप्यूटर बन गया वो, लैपटॉप बंद नहीं हो रहा. बट एनी वे, 40 अल्ट्रा गुड टू गो, वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट. 40 आई हैव माई रिजर्वेशंस, एक बार देख के मतलब अभी आई विल मेक अप माई माइंड, आई डोंट नो. फॉर 55,000 मानस का पॉइंट एकदम सही है, पर पता नहीं, आई डोंट नो.
खैर मेरे पास जो डिवाइस है वो पिछले हफ्ते लॉन्च हुई थी, बोल्ट क्राउन एक्स, और ये स्मार्ट वॉच है, बजट स्मार्ट वॉच जो तुमने पहना जो मैंने पहन रखा है, और इसका प्राइस है 1399। इसके वैसे तो वेबसाइट में 3000 लिस्टेड है, लेकिन और ये 1400 में अवेलेबल है, और इसको देख के लगता नहीं एक्चुअली कि ये 1400 रुपए की है। ये वाला ये क्या बोलते हैं, स्ट्रैप, स्ट्रैप पता है, अरे वो जो एप्पल वॉच मेरे हाथ में तो इसके मार्क्स बन जाते हैं, इसको बहुत देर तक पहनो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है मुझे पहनने में, बट इसका ना एक नॉर्मल स्ट्रैप वाला भी आता है जो प्लेन तोड़ मत दियो जो प्लेन सिलिकॉन स्ट्रैप है वो ज्यादा बेटर रहेगा। इवन जो केस है उसकी बिल्ड क्वालिटी है, खैर मैं बताती हूँ, तो ये टच डिस्प्ले है, इसमें एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, इनफैक्ट ब्राइट भी अच्छा है, बाहर भी धूप में भी लेके जाते हैं, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, डिस्प्ले मुझे बहुत बढ़िया लगा, बस बिल्ड इतना खास नहीं यार, मतलब 1400 रुपए में इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है, हाँ बस हो गया क्या, हाँ बिल्ड अच्छा है, 1400 रुपए के हिसाब से अच्छा है भाई यार, लेकिन मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा, मतलब हाथ में एकदम निशान से पड़ जाते हैं इसको पहनने में, स्पेशली ये वाला स्ट्रैप को यूज करें, वरना सिलिकॉन स्ट्रैप ये मेरे को अच्छा लगा था, जो ये कंफर्टेबल सुना माइक पे सुना वो ये सुना सारे, जो ये क्राउन की आवाज आ रही है ना वो मेरे को भी सही लगी थी काफी, की ये मैंने नया कुछ देखा है बजट वाले उसके अंदर, नाम ही इसका बोल्ट क्राउन एक्स है, तो ये क्राउन इसका थोड़ा हाईलाइट फीचर है, तो यू आर सेइंग 1400 में खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, हाँ तो मैं वही बता रही थी, इसमें फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स बढ़िया हैं, स्लीप ट्रैकिंग मिलता है, मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग मिल जाएगा, ब्लड ऑक्सीजन लेवल 24/7, हार्ट रेट ट्रैकिंग बढ़िया है, इनफैक्ट इसमें एक एक्शन मोड भी है, एक क्राउन बटन के जस्ट नीचे बटन है वो जिससे इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, उसको टैप कर लो तो वो स्टेप काउंट्स एक्सरसाइजेस जितने भी सारे फीचर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो मुझे बढ़िया लगा, बस यही है कि इतना एक्यूरेट नहीं होगा ऑब्वियसली, इसका जो स्टेप्स है मैं अपने हेल्थ ऐप में जो मैं आईफोन यूज़ कर रही हूँ उससे मैंने कंपेयर करके देखा था, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था, आई गेस वो पता नहीं रखे रखे भी पता नहीं स्टेप्स ले लेता है, बट हाँ कॉलिंग ले सकते हैं सबसे अच्छा फीचर यार, मतलब 1400 रुपए में कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो, स्पीकर बढ़िया है इसमें, इनफैक्ट अगर मैं फ़ोन से मैंने कनेक्ट कर रखा है और मैं इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब चला रही हूँ तो इसमें ऑडियो आता है और अच्छा ऑडियो आता है, अच्छा ऑडियो आता है, और मैसेजेस पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, हाँ ऊपर, तो ओवरऑल बढ़िया वॉच है, बस सिलिकॉन स्ट्रैप वाला लेना, ये वाला जो स्ट्रैप को बोलते क्या है यार, नाम नहीं आता ना मेरे को, ये एप्पल वाला, एप्पल वाला, हाँ एप्पल वॉच अल्ट्रा वाला जो स्ट्रैप है वो मत खरीदना, सिलिकॉन स्ट्रैप वाला खरीदना तो बढ़िया है, चलो ग्रेट। मेरे पास डिवाइस नहीं है आज, जो डिवाइसेज हैं वो एम्बार्गो शेम्बार्गो चल रहे हैं उस पर थोड़े से, तो मैंने वाइल्ड कार्ड यूज़ करके एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द जियो फोन भारत V2 है ना, तो जियो ने भाई एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है, बेसिकली बता दूं 999 रुपये, 1000 रुपये का फोन है, फीचर फोन है, 4G फोन है, और जैसा जियो करता है हमेशा कि भाई फोन लो और फिर फ्री में सब कुछ यूज़ करो, हालांकि लाइक डायरेक्टली फ्री नहीं है, 123 रुपये महीने का प्लान है, बेसिक प्लान जो है, जिसके अंदर 14 GB आपको 28 दिन का डेटा मिलेगा, 28 दिन की वैलिडिटी है, 14 GB डेटा यानी दिन का 512 MB हो गया 4G डेटा, प्लस उसमें आपको सारे जियो की जो सर्विसेज हैं, जियो सिनेमा, जियो सावन, फलाना का, वो सब एक्सेस मिलेगा। द हाईलाइट ऑफ द फोन इज कि इससे आप UPI पेमेंट भी कर पाओगे, विच इज अगेन अ ह्यूज थिंग, हमने जितना अडेप्ट करा इंडिया के अंदर UPI भाई हर तरफ है, जो लोग स्मॉल वेंडर्स हैं या जो थोड़ा लेबर क्लास है ना, इन लोगों के लिए आई थिंक दिस कैन बी अ गुड डिवाइस, 1000 रुपये में आप ले लो, बैटरी वैटरी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, छोटी सी स्क्रीन भी दे रखी है, और अगेन मतलब प्रॉब्लम बस वही होती है कि जियो इस तरह के डिवाइसेस लॉन्च तो करता है मार्केट में बट उन पर बिल्डअप नहीं करता है, वो आते हैं वो बहुत भारी मतलब अमाउंट में लोग खरीदते हैं, फिर जियो फिर गायब हो जाते हैं, गायब हो जाता है 6 महीने इस साल भर के बाद एकदम से कुछ रैंडम कोई दूसरा फ़ोन या कुछ डिवाइस लॉन्च कर देगा, तो वही मेरा प्रॉब्लम है, बाकी अदरवाइज़ अगर यार कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी बहुत पुराने फीचर फोन्स यूज़ कर रहे थे जिनको अपग्रेड करना है,
पता नहीं उनमें से कितने लोग हमारे पॉडकास्ट जो 2G यूजर्स हैं जो अभी तक नहीं 4G पे आए हैं, एनीवन हु हैज बीन यूजिंग एन ओल्ड फीचर फोन वो 2G यूज कर रहा होगा शायद और वो UPI पेमेंट्स नहीं कर पाता होगा, तो उन लोगों के लिए मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ इस बेसिक सही स्टार्टिंग से कि यार आप एटलीस्ट UPI पेमेंट जो आज की डेट में नेसेसिटी हो गई है, 4G डेटा का आपको एक्सेस मिल जाए और आप कंटेंट वगैरह जो आ रहा है थोड़ा बहुत उससे आप जुड़ सको, उसके लिए आप डेफिनेटली यार कंसिडर कर सकते हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा डिवाइस है। नोकिया ने भी आज कुछ करे हैं लॉन्च अपने फीचर फोन में UPI वगैरह है, बट वो थोड़े शायद ज़्यादा के हैं 1500-2000 वाले, प्लस उसमें जियो वाले आपको अगेन बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे वो देखना पड़ेगा। इसमें एक एनुअल प्लान भी है बाय द वे, उस अगर आप वो लेते हो तो 1234 का पड़ेगा, तो एक तरह से आपको 10 महीने का प्राइस पे करना पड़ेगा, 2 महीने एक तरह से फ्री हो गए ना आपके अगर आप एक साथ पे कर सको। बट अगेन आई डोंट नो जितने लोग 1000 रुपये का फ़ोन ले रहे हैं उनमें से कितने लोग समक्ष हैं कि वो भाई एक साथ 1200 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। सो यस, बट ओवरऑल looks like a good device and what they've done, उन्होंने एक साथ में जियो भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करा है जिसपे वो कह रहे हैं बेस करके बाकी कंपनीज भी अपने फोन्स बनाएंगी, और कार्बन ने भी एक ऐसा ही फोन बनाया है उनके साथ जिसपे पूरा वो डिज़ाइन मोर ऑर लेस सेम है, कार्बन का लोगो है वो सब है, तो हो सकता है आपको आईटेल कार्बन जो ये बजट फीचर फोन्स बनाती हैं इन कंपनीज के अंदर भी इस तरह के जो है डिवाइस देखने को मिल जाए। फीचर फोन्स भी रिव्यू करना शुरू कर देना चाहिए हमें। तुम करो, तुमसे शुरुआत प्लीज, शुभारंभ। तो ये थी हमारी आज की 3 डिवाइसेस। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ अपसर्ड न्यूज़। तो अपसर्ड न्यूज़ शुरू करने से पहले ना मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से फ़ोन्स को वॉशरूम में कौन लेके जाता है, या हैबिट है थोड़ी की आदत है यार लिए जाना है वॉशरूम में? ना आदत नहीं है, अगर पॉकेट में होता तो ले जाते हैं, नहीं होता तो नहीं लेके जाते हैं। मैं तो ले जाता हूँ यार, मेरी तो आदत है, गंदी आदत है, बट है अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नॉट VPN अपना तो बता, तो आगे बढ़ गई इन लोगों को थोड़ा सा। मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाती, इनफैक्ट मैं तो अपने डेस्क पे छोड़ के जाती हूँ। और एक तो मैं iPhone 14 Plus यूज करती हूँ, छोड़ के ढूंढ रही थी यार। एक तो ना मैं iPhone 14 Plus अभी यूज कर रही हूँ, इतने दिनों से मेरे हाथ में ना ये फिट नहीं होता है, पता चला मेरे हाथ में फिट नहीं होता है। ये बात आप पहले बताया तो बेटर रहता थोड़ा सा, कि मेरे हाथ में फिट नहीं होता। कभी लोग क्यों हंस रहे हैं, उनको भी पता है। खैर, तो नॉट VPN ने एक स्टडी की और उसमें पता चला कि टॉयलेट सीट से 10 times गंदा टच स्क्रीन का वो होता है डिस्प्ले, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया रिटेन करता है। और जो स्टडी में पता चला कि 10 में से 6 लोग फोन लेके जाते हैं वॉशरूम में, जिसमें से 61% सोशल मीडिया चलाते हैं, 34% न्यूज़ के लिए लेके जाते हैं कि भाई अपडेट रहना है, और 24% या तो फ़ोन पे होते हैं या उनको मैसेजिंग करनी होती है। सो बेसिकली काफ़ी सारे यूज़र्स लेके जाते हैं, लेकिन ये बहुत गंदी आदत है और काफ़ी सारे बैक्टीरिया, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया डिस्प्ले पे रह जाते हैं और हमें याद नहीं रहता, हम फ़ोन पे बात करते हैं वही मुंह पे लगता है। एग्जैक्टली तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं टॉयलेट सीट से, जो सब जर्म्स होते हैं ना बेसिकली वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स, लाइक द एयर इज़ आल्सो बिट एसिडिक, राइट? सो ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही, पता है सबको। खराब आदतें सबको पता होती हैं सारी, सिगरेट पीने से क्या होता है, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं रखने से क्या होता है, टेढ़ा बैठने से क्या होता है, पर फिर भी लोग करते हैं सब कुछ चीज़ें। तेरे को नहीं बोल रहा था। नहीं, बट मुझे याद आया, इवन आई हैव नेक प्रॉब्लम्स। मतलब रात को, जैसे फॉर एग्जांपल रात को लेट अगर 3 बजे तक बैठ के PS खेलोगे तो सुबह तुम्हारी आंखें भारी रहेंगी, तुम नहीं फंक्शनल। फिर भी करते हैं लोग, मैंने भी कराया बहुत। देखिए, रात लेट अगर इफ यू आर आउट लेट एंड 3 घंटे सो के आप ऑफिस आके उतने फंक्शनल नहीं हो सकते, बट फिर भी लोग करते हैं। सो थिंग्स वैसे ये है, आपको पता है कि भाई आप लेके जाओगे वॉशरूम में तो दिक्कत है। कितने लोग बोलते हैं भाई फोन चार्जिंग पे लगा के बाजू में मत रखो रात को सोते टाइम, इतने लोग करते ही हैं उसको, तो दीज लाइक बैड प्रैक्टिसेस। कल रात को ही किया मैंने। तुम तो डेली करते हो, कल रात क्या कुछ अलग था? मतलब डेली कल रात को ही चार्ज पे लगा के सो गया यार नींद। ओके, एनीवे ये लोग बोल रहे हैं टच स्क्रीन डिस्प्ले को ना मस्कीटो ऑफ द डिजिटल एज भी बोला जाता है। मस्कीटो ऑफ द डिजिटल एज, यस। और काफ़ी गंदी गंदी बीमारियां जो लाइक लेजिट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, कॉन्टेजियस है। आज रात को तुम मक्खी देखना घर जाके, इसी बात पे। तुमने देखी पुरानी पिक्चर जो बोली थी तुमने? मैंने मक्खी देखी है, मक्खी देखी, वो वाली देखी, गुंडा देखी तुमने? नहीं, मैंने फ्लैश जरूर देखी, मैंने फ्लैश जरूर देखी जो मुझे ठीक ठीक लगी।
खैर अब हम सम अप करते हैं हमारे, मानस कुछ कहना चाहता है? मैं थोड़ा तो इसके बारे में बात कर लिया, गुंडा ये वो चल रहा है, डिस्प्ले की यहाँ उसकी बात हो रही है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। याद आ गया था ये अमन थोड़ा मूवी की दुनिया में रहता है। मैंने कंट्रीब्यूशन किया है गुंडा। अरे यार कल रात को मैं चांदनी में लाके सोया था, गुंडा बस ये। खैर इस न्यूज़ को सुनने के बाद मैं दूसरों के फ़ोन तो थोड़ा कम ही छूना पसंद करूँगी और जो लोग फ़ोन वॉशरूम में लेके जाते हैं उनसे भी दूर। उधर उधर आप लोगों को कैसी लगी न्यूज़, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके क्या थॉट्स हैं। ईमेल us@radio@aajtak.com, ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtakradio। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में खूब सारे नए नए डिवाइसेस के साथ और धमाकेदार न्यूज़ के साथ।